हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला एक नई अपडेट के बारे में जो है बिहार उद्यमी योजना के तहत आई हुई है, जिसमें आपका DPR 1 एंड DPR 2 के बारे में दिया गया है। DPR 2 को मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाकर यहाँ पे अपलोड कर दिया, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर आई बटन पर आप जाकर उसे देख सकते हैं। अब बात करते हैं DPR 1 की। इस वीडियो में मैं DPR 1 के बारे में बात करने वाला हूँ कि DPR 1 है क्या। DPR का मतलब पहले ही मैंने बता चुका है कि DPR का मतलब होता है कि जो भी आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना चाहते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी एक रिपोर्ट में होती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में दिया गया है, ठीक है। तो अगर आपका या आप में से किसी का भी इस DPR 1 में अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से रिलेटेड अगर मिलता जुलता है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस DPR 1 को ओपन करने से पहले अगर आप कॉमर्स और BPSC मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हिंदुजा कॉमर्स क्लासेस से जुड़ सकते हैं। कॉमर्स में आप 11th की, 12th की और BCom की कोर्सेस ले सकते हैं, और BPSC मेंस में अगर आपका मेंस का पेपर कॉमर्स रिलेटेड है और मैनेजमेंट पेपर्स रिलेटेड है तो आप इसकी कोर्सेस ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में ले सकते हैं। इसकी पूरी जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर नंबर दिया गया, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसे ओपन करते हैं DPR 1 को। तो जैसे ही DPR 1 को ओपन करिएगा तो ये आपका एक PDF खुल के आ जाएगा, ठीक है। इसमें आपका डिफरेंट 27 आपका प्रोफाइल यानी प्रोजेक्ट प्रोफाइल दिया गया। तो सबसे पहले आपका आटा मिल का है, दूसरा आपका टॉयलेट शॉप का है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का है, टोमेटो सॉस का है, ठीक है। प्रोजेक्ट प्रोफाइल ऑफ रोस्टेड राइस फ्लैक्स का है। तो अगर आप में से किसी का भी इसमें से किसी भी प्रोफाइल से बिजनेस मिलता जुलता है तो आप इसी के अनुसार अपना जो भी डिटेल दिया गया उसी के अनुसार अपना DPR बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डेयरी प्रोडक्ट भी दिया गया है, प्रोजेक्ट प्रोफाइल ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पाम प्लेट के बारे में दिया गया है, नोटबुक के बारे में दिया गया है, डेयरी प्रोडक्ट है आपका, डिटर्जेंट पाउडर है, केक है, नैपकिन है, ठीक है, और ब्यूटी पार्लर के बारे में दिया गया। तो मैं इसमें से एक या दो प्रोजेक्ट प्रोफाइल के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाला। तो पहला जो प्रोजेक्ट प्रोफाइल है वो आटा मिल का है। तो आटा मिल का इंट्रोडक्शन दिया गया है कि फूड इज़ द मोस्ट रिक्वायर्ड प्रोडक्ट सिंस ह्यूमन काइंड, यानी जो आटे का इस्तेमाल हर एक घर में होता है उसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया गया है। मार्केट पोटेंशियल की बात करें तो रॉ मटेरियल इज अवेलेबल इन द एंड अराउंड द कंट्री, यानी जो भी इसका रॉ मटेरियल है वो क्या होता है, गेहूं होता है, गेहूं से ही आटा बनता है। तो भारत के हर एक कोने में गेहूं का उत्पादन होता है, ठीक है। लोकेशन की बात करें कि आप कहां पर इस आटे मिल को ओपन करना चाहते हैं तो उसका एक लोकेशन होना चाहिए, यानी आप किस स्टेट में, किस डिस्ट्रिक्ट में, उसके बारे में डिटेल आपको देना है। और जहाँ पर भी खोलिएगा या जहाँ पर भी ओपन होगा उस बिल्डिंग का बारे में डिटेल होगा कि वो रेंटेड है या आपका खुद का है। प्रिजम्पशन की बात करें तो प्रोडक्शन विल बी स्पैनिंग 8 hours a day एंड 25 days इन अ मंथ। इन 2 years फुल कैपेसिटी विल बी यूटिलाइज, मिनिमम वेजेस विल बी पेड ऑन द लेबरर्स, यानी जो भी प्रिजम्पशन होगा यानी जो भी आप प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है, तो आप एक दिन में कितना घंटा काम करेंगे और 1 month में कितना डे काम करेंगे, ठीक है, और लेबर को कितना पैसा आप देंगे उसके बारे में प्रिजम्पशन करना होता है। शेड्यूल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन विल स्टार्ट विथ इन 6 months क्लियरिंग ऑल मैंडेटरी मेजर्स, यानी इम्प्लीमेंटेशन कब करेंगे, यानी जैसे आपको लोन मिलता है तो आप उसको कितने महीने में उस यूनिट को लगाकर उसे आप चालू कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका टेक्निकल एस्पेक्ट है जिसमें आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में दिया गया, वाशिंग है, ग्राइंडिंग है, ड्राइंग है, फ्लोरिंग है, पैकिंग के बारे में बताया गया। फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बात करें तो इसमें आपको फिक्स कैपिटल कितना होगा, ठीक है, इसमें लैंड बिल्डिंग होता है, कितना एरिया रिक्वायर्ड है, ठीक है, ओरिएंटेड होगा या आपका खुद का होगा, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी की बात करें तो कौन कौन सी प्लांट एंड मशीनरी इसमें यूज होंगे, ठीक है, यहाँ पर दिया गया है डिटेल में, इसे आप देख सकते हैं, उसका प्राइस भी दिया गया है। वर्किंग कैपिटल कितना लगेगा, इन वर्किंग कैपिटल कितना ज़रूरत है आपको इस आटे मिल को चलाने के लिए, ठीक है, तो वहाँ पर रॉ मटेरियल वेजेस
बिजली बिल और गैस के बारे में दिया गया, जो टोटल मिला के 1 लाख रुपया यहाँ पर दिया गया। फिर टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट के बारे में बताया गया है कि कितना टोटल कॉस्ट लगेगा, ठीक है। फाइनेंस की बात करें तो प्रमोटर कंट्रीब्यूशन कितना होगा, बैंक लोन कितना होगा, ठीक है, ये सारा डिटेल यहाँ पर दिया गया है। साल का सेल टर्नओवर कितना होना चाहिए यहाँ दिया गया, मंथली एक्सपेंडिचर कितना होना चाहिए, ये सारा चीज़ डिटेल दिया गया है। उसके बाद प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो सेल में से जितना भी आपका खर्च हुआ है साल का, ठीक है, वो घटाने के बाद जो भी आपको प्रॉफिट होगा, यहाँ पर एक एग्जाम्पल को देकर समझाया गया है। ये आपका एक्यूरेट नहीं होगा क्योंकि इतना में आपका आटा मिल खुलेगा ही नहीं, आपको एग्जाम्पल देकर समझाया गया है, ठीक है ना, कि यहाँ पर कैसे कैसे आपको प्रोजेक्ट जो होता है DPR बनाना, यहाँ पर कैसे आपको DPR बनाना है, उसका एक बस एग्जाम्पल दिया गया है। उसके बाद टमाटो सॉस की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात करें तो यहाँ पे भी टमाटो सॉस के बारे में इंट्रोडक्शन दिया गया है। बेसिस एंड प्रिजम्पशन की बात करें तो प्रोडक्शन आपका सिंगल शिफ्ट में होगा या डबल शिफ्ट में होगा, यानी आप एक दिन में 8 घंटे काम करेंगे या 16 घंटे, ठीक है, या मंथ में 25 दिन काम करेंगे, इसके बारे में दिया रहेगा, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग हैज़ बीन एक्वायर्ड, मंथली रेंट 10,000, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स एंड वर्किंग कैपिटल 15% पर एनम, यानी जो भी वर्किंग कैपिटल पर जो भी आपका इंटरेस्ट होगा कितना होगा, सारा डिटेल होता है, ठीक है ना। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ शेड्यूल, यानी जो भी आपका सारा काम होने के बाद आप इस बिजनेस को कितने दिन में स्टार्ट यानी प्रोडक्शन चालू कर देंगे, ठीक है। फिर टेक्निकल एस्पेक्ट की बात करें तो प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के बारे में दिया गया है। पॉल्यूशन कंट्रोल लेना होगा अगर आपका जो भी मैन्युफैक्चरिंग लगाना चाहता है, अगर उससे कोई भी पॉल्यूशन होता है तो उसके लिए आपको पॉल्यूशन कंट्रोल से सर्टिफिकेट लेना होगा, ठीक है। प्रोडक्शन कैपेसिटी कितना होगा सारा बताएं, टोमेटो सॉस हो गया मान लो, तो पर एनम आपको मान लीजिए 30,000 किलो टमाटर चाहिए, ठीक है, तो उसका कितना वैल्यू होगा, सारा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। मशीनरी एंड इक्विपमेंट की बात करें तो कौन कौन सी मशीनरी चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है आपको, इसे एक बार आप उसे देख लीजिएगा, ठीक है। मैन पावर कितना रिक्वायर्ड है, वहाँ पर दिया गया, मैनेजर चाहिए, सेल्स पर्सन चाहिए, स्किल्ड वर्कर चाहिए और सेमी स्किल्ड वर्कर चाहिए। स्किल्ड वर्कर की बात करें तो जिसको नॉलेज हो टोमेटो सॉस बनाने में, सेमी स्किल्ड के वर्कर की बात करें जिसको थोड़ा सा नॉलेज हो और ज़्यादा नॉलेज ना हो, उसे सेमी स्किल्ड वर्कर कहा जाता है। यूटिलिटीज़ एंड अदर एक्सपेंसेस की बात करें तो पावर चार्जेज होगा, वाटर चार्जेज, रेंट हो गया, टेलीफोन चार्ज और मिसलेनियस एक्सपेंसेस होता है। वर्किंग कैपिटल में आपको क्या चाहिए कि कितना पैसा चाहिए ताकि आप रॉ मटेरियल वगैरह खरीद सके, सैलरी वगैरह दे सके, ठीक है, रेंट वगैरह पे कर सके, ठीक है। टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट की बात करें तो यहाँ पर दिया गया है आपका फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल मिलाकर 7,82,000 दिया गया है, ठीक है ना। आई होप आपको यह इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेकर आऊँगा, तब तक के लिए जय हिंद।